अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर खैर वकदम है आपका आज के इस क्लास में डियर स्टूडेंट्स दिस इज मी गुलजार एंड आई एम वर्किंग एज लेक्चरर मैथमेटिक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम डियर स्टूडेंट्स टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज जिस मीन वैल्यू थारम जिसे आप एब्रिवेटेड फॉर्म में एल एम वी टी भी कहते हैं तो लेग्रेजिस मीन वैल्यू थारम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम पढ़ेंगे और लेग्रांजिस मीन वैल्यू थारम का प्रूफ या जो इसकी एप्लीकेशन है या जोमेटिकल इंटरप्रिटेशन है या इसका स्टेटमेंट है वो हम डिस्कस यहां पे करेंगे लेकिन द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट मैंशनड इज नॉट प्रस्क्राइब इन यूर सिलेबस एंड दैट टू इज नॉट रिटर्न इन यूर बुक ठीक है लेकिन टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट्स स्टेटमेंट इट्स एप्लीकेशन and it is geometrical interpretation. So, first of all we discuss about the statement of basic, statement of Lagrange's mean value theorem. So what it states what it says it actually says if we have a function up the previous class me theorem if f of x is a real valued function. जो कि रोलीस थर्म का भी स्टेटमेंट है रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी नंबर टू कंडीशन इज एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन

only two conditions are in Lagrange's mean value theorem that is f dash x exists in open interval a b. Two conditions if a real valued function satisfy karti hai, number one condition it should be continuous in the closed interval a b number two it should be differentiable in the open interval a b then there exists at least वन रियल नंबर और यू कैन से वन पॉइंट सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डे सी इज इक्वल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए यह है लेग्रांजीज मीन वैल्यू थार्म का स्टेटमेंट ठीक है लेकिन आप यहां पे इसको चेंज भी कर सकते हैं आप लिख सकते हैं एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी यह भी चलेगा लेकिन द फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ बेसिक फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ लेगराज इज मीन वेल्यूथरम इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल ए बी नंबर टू इट शुड बी डिफ्रेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी एंड देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी वायर एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए डे स्टूडेंट अगर आप रोलीज थर्म याद करेंगे जो आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ी वहां पर थर्ड कंडीशन जो है वह है एफ ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ बी तो अगर हम राइट हैंड साइड पर यह ले जाते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ आफ ए इन दैट केस शुड बी इक्वल टू जीरो तभी हम लिखते हैं जब एफ आफ एफ ऑफ बी के बराबर हो देन एफ आफ बी माइनस एफ ऑफ एज जीरो इन दैट केस वी राइट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो ठीक है सो दैट मीन्स रोली स्टॉर्म इज ए पर्टिक्यूलर केस ऑफ ज इन वेल्यू थम और जनरलाइज मोर जनरल तो यह है लेग्रांजिज मीन वेल्यू थारम का स्टेटमेंट अगर हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस है ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी में डिफ्रेंशियबल है ओपन इंटरवल ए बी में देन देयर इज अ पॉइंट सी इन ए एंड बी ठीक है दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लेग्रॉज मीन वैल्यू थेम नाउ लेट अस डिस्कस इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मैं यहां पे लिखूंगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ठीक है इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में और कंटिन्यूअस मतलब इसका ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस हो ऐसे ए और बी के बीच कॉन्टिन्यूअस हो ठीक है देन इट इज डिफरेंशियबल कंटिन्यूअस मतलब इसका जो ग्रैफ है उसमें कहीं पे भी गैप ना हो इसमें कहीं पे भी ब्रेक ना हो ठीक है दैट इज द मीनिंग ऑफ द कंटिन्यूटी देन द सेकेंड कंडीशन इज डिफरेंशियेबल इट शुड बी डिफरेंशियबल बिटवीन ए एंड बी यानी वी शुड बी एबल टू ड्रॉ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट बिट्वीन ए एंड बी ठीक है यानी डिफ्रेंसिएशन एग्जिस्ट करनी चाहिए ए और बी के बीच ठीक है देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी यानी ए और बी के दरमियान एक पॉइंट सी एट लीस्ट एग्जिस्ट करता है जहां पे अगर हम इस फंक्शन को टेंजेंट ड्रॉ करेंगे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो इस ए बी कॉर्ड के पैरेलल होना चाहिए If we take this as AB, that tangent should be parallel to the chord AB. This is the geometrical meaning, or you can say the geometrical interpretation of Lagrange's mean value theorem. डियर स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपने समझ लिया होगा स्टेटमेंट ऑफ लेग्रॉज थारम एंड इट्स इस जोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ठीक है तो अगर यहां पे एफ आफ ए एफ आफ बी के बराबर है देन द लैग्रॉज इज मीन वैल्यू थ्योरम टेक्स द शेप ऑफ रोलीज थ्योरम विच वी डिस्कस्ड अबाउट विच वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर ठीक है अब हम कुछ एप्लीकेशन या कुछ पॉइंट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो है ऑन द लेगर मीन वैल्यू वेल्यू आप आपकी एक्सरसाइज में आपकी टेक्स्ट बुक में इस थार्म पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो पहला क्वेश्चन जो है विच विल बी सॉल्विंग टूडे इज इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्ट x square minus 4x minus 3. This is question number 1. f of x is equal to x square minus 4x minus 3. And it is defined in the closed interval 1, 4. A ke 1 hai or b ke 4 hai. We will have to check its applicability or you can say we will have to check the applicability of Lagrange's mean value theorem. टू दिस फंक्शन ठीक है तो हम पहली कंडीशन जो है वो है कंटिन्यूटी जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में देखा होगा या पढ़ा होगा पॉलिनोमियल है सो इट इज एन एवरी वेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन पर्टिकुलर इट इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोजर इंटरवल ए बी सो मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल देर फोर इट इज एवरी वेयर कॉन्टिन्यूअस वेन इट एवरी वेयर कॉन्टिन्यूअस इन पर्टिक्यूलर इन पर्टिक्यूलर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल वन फोर इसका मतलब है पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई ठीक है तो wo jo hai, continuity ki condition wo is function ne satisfy now the second condition is derivative of this function must exist in the open interval 1 4 if we differentiate both sides of this function we write f dash x is equal to 2x minus 4x ki differentiation 4 hai and differentiation of 3 is 0 so this is the derivative of f of x If you check 2x minus 4 is well defined बिटवीन वन एंड फोर और यू कैन से इट इज डिफाइंड ऑन एनी पॉइंट विच लाइज बिटवीन वन एंड फोर मैं लिखूंगा विच एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल वन फोर यहां पर एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको ये एग्जिस्ट क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा अगर हमारे पास कोई फंक्शन है लाइक like अगर डेरेवेटिव निकलता है किसी का टू बाई एक्स फॉर एग्जाम्पल और इंटरवल है माइनस वन और वन लेकिन अगर आप देखेंगे इनके बीच एक पॉइंट है जीरो और अगर हम जीरो पे इसको इस, सेटिस्फाई करेंगे दैट बिकम्स टू बाई जीरो दैट इज अ नॉन डिफाइंड नंबर तो इन दैट केस डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन माइनस वन एंड वन दैट मीन्स ये माइनस वन और वन के बीच एटलीस्ट एक पॉइंट है यानी जीरो जिस पे ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है जिस पे ये डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड निकलता है ठीक है लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे वन और फोर के बीच में कोई पॉइंट ऐसा है ही नहीं जिस पे आप कह सकते हैं कि इट इज नॉट डिफाइंड सो आई कैन कंक्लूड दैट दिस फंक्शन इज डिफाइंड इन द ओपन इंटरवल वन एंड फोर और इट एग्जिस्ट बिटवीन वन एंड फोर दस f of x satisfies both the conditions of L m v t that means Lagrange's mean value theorem. Thus there exists at least one point c in open interval 1 4 such that f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a that is f dash c is equal to. What is f of b? That is f of 4 because instead of b we have 4 here. F of a that is f of 1 divided by 4 minus 1 that is 3. Adara f dash x is 2x minus 4. F dash c will be 2 c minus 4 is equal to f of 4 ke likhunga, 4 square minus 4 into 4 minus 3.

They have four into four sixteen. They have four squared. That is sixteen plus sixteen minus sixteen cancel hota hai. This is minus three. Then we have minus four minus three. That is minus seven and plus one. That is minus six. Like minus minus six plus six ban jayega, divided by three. Then we have two c minus four is equal to three by three. That is one. Two c इज इक्वल टू वन प्लस फोर सी इज इक्वल टू फाइव डिवाइडेड बाई टू और यू कैन से टू पॉइंट फाइव तो यह है पॉइंट सी जहां पर आप देख सकते हैं ये वन और फोर के बीच में लाई करता है जहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस करु को और टेंज जो है वो होगा परल टू दी दिस इज जोमेटिकल इंटरप्रटेशन ऑफ लेगर मीन वैल्यू थारम और यह है एप्लीकेशन इसकी जिसमें हम ये सी वेल्यू निकालते हैं जहां पर कॉर्ड जो है जहां पर तो कॉर्ड होता है ठीक है तो यह है फाइव बाई सी लाइक द रोलीज थारम जहां पर कन्वर्स ऑफ द रोलीजारम इज नॉट ट्रू सेम इज द केस विद द लेगरॉन्जिस मीन वैल्यू थारम द कन्वर्स ऑफ लेगर थारम इज नॉट ट्रू एज बिकॉज If there exists a function where f c dash c is equal to this, that may not satisfy the two conditions of Lagrange's mean value theorem. This was the first application of uh, Lagrange's mean value theorem. We will be proceeding to another question of your exercise. Jo questions jate hain, I hope you will try to solve as many as questions jo, jitne aap kar ge, utne questions. Aap प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छे होंगे और आपके लिए बेनिफिट उसी में है जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स वन मोर एग्जाम्पल टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर एंड द गिवन क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर वायर द टेंजेंट इज पारल टू द कॉर्ड थ्री जीरो एंड फोर वन दिस इज अवर क्वेश्चन थोड़ा सा हटके क्वेश्चन दिया है तो आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे ले ग्रॉज मीन वैल्यूथोरम की एप्लीकेशन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री होल स्क् पॉलिनोमियल जब ये पॉलिनॉमियल है देर फोर इट इज एवरी वायर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एवरी वायर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जब ये एवरी वायर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है दैट मींस इन पर्टिक्यूलर वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वेयर इज कॉन्टिन्यूअस यहां पर अगर हम देखेंगे थ्री जीरो और फोर वन मैं यहां पर ग्राफिकली आपको समझाऊंगा थ्री जीरो वन टू थ्री ये पॉइंट होगा एंड फोर वन फोर यहां से ऐसे पॉइंट होगा तो यह जो पॉइंट है यह थ्री होगा ये पॉइंट जो है ये फोर होगा तो जो इंटरवल बनेगा वो थ्री और फोर के बीच में बनेगा इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल थ्री एंड फोर नाउ द सेकेंड कंडीशन ऑफ दिस लैंग्वेज इज मीन वैल्यू थार्म इज दैट इट शुड बी डिफ्रेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल थ्री फोर नाउ इफ यू टेक द डेरिवेटिव एप डैश एक्स दैट इज टू एक्स माइनस थ्री इस एक्स माइनस थ्री है इसका डेरिवेटिव तो अगर हम देखेंगे इट एग्जिस्ट इट इज डिफाइंड इन द ओपन इंटरवल थ्री एंड फोर दैट मीन्स देयर इज नॉट अ सिंगल पॉइंट बिटवीन थ्री एंड फोर वायर दिस डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड ठीक है तो हम आगे बढ़ेंगे Iska matlab ye hai, it is derivative in 3 and 4 that means this function satisfies both the conditions of l m v t in a lagrange's mean value theorem therefore there exists at least one point c in open interval 3 4 such that f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a तो दिस इज एफ डैश सी इज इक्वल टू दट इज एफ ऑफ़ इज एफ ऑफ़ डिवाइडेड बाय फोर माइनस थ्री एफ डैश सी के बदले में ये लिखूंगा ट्वाइस सी माइनस थ्री इज टू दिस इज फोर एफ ऑफ़ फोर अगर हम इसमें सब शूट करेंगे फोर माइनस थ्री होल स्क्वायर माइनस थ्री माइनस थ्री होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर माइनस थ्री दैट इज वन इसके बाद यहां पर मैं सिंपलीफाई करूंगा इसको दिस इज टू सी माइनस सिक्स इज इक्वल माइनस थ्री दैट मीनस वन स्क्वायर दैट इज वन माइनस जीरो डिवाइडेड बाई वन दिस इज टू सी माइनस सिक्स इज इक्वल टू वन टू सी इज इक्वल टू सेवन सी इज इक्वल टू सेवन बाई टू तो ये जो सी पॉइंट है ये थ्री और फोर के बीच में है सेवन बाई टू मतलब थ्री पॉइंट फाइव इसके बीच में सेवन थ्री और फोर के बीच में एक पॉइंट है सेवन बाई टू यानी थ्री पॉइंट फाइव जहां पे हम टेंज एंड ड्रॉ कर सकते हैं एक स्क्रू को जो पारल होगा पॉइंट किस पॉइंट को हा जीरो थ्री जीरो और फोर वन के ठीक है दिस वॉज द क्वेश्चन एंड वी वे सपोज टू फाइंड आउट द पॉइंट वेर दर्ल टू द कॉर्ड लेकिन पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो हमें दोनों कोर्डिनेट चाहिए तो अगर हम सी का मतलब है x यानी x के बदले हमने निकाला क्या सेवन बाई टू ठीक है अब इसको सब करके y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं y इज इक्वल सेवन बाई टू माइनस थ्री होल दिस इज वाई इज इक्वल सेवन माइनस सिक्स दैट इज इज इक्वल टू वन बाई फोर इसका मतलब पॉइंट जो है वो है सेवन बाई टू और वन बाई फोर एक ऐसा पॉइंट है इसके रूप जहां पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो इस कॉर्ड uh, उस कॉर्ड के पैरेलल होगा जिसके एंड पॉइंट्स थ्री जीरो और फोर वन होगा डेर स्टूडेंट्स इस तरह से हमने लेग्रांच मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ी इसके कुछ एप्लीकेशन पढ़े बाकी जो क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में है बहुत ही कम है आई एम श्योर कि आप वो क्वेश्चन जो है वो खुद सॉल्व करेंगे दिस इज टाइम टू टेक अ लीव फ्रॉम यू विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन गुड बाय एंड हैव अ गुड डे